Hi guys, welcome back to the channel and I am Kanishka Chaudhary from Future is More Academy and in this video we are going to discuss the chapter Sociology, Society and Relation part 5.

डिफरेंशिएट कराए टू सोसाइटी दो पार्ट के अंदर उन्होंने करा एक है हमारी प्री मॉडर्न सोसाइटी और एक है हमारी मॉडर्न सोसाइटी इन दो के अंदर उन्होंने हमें उन्होंने हम को डिफ्रेंशिएट करा है कि उन्होंने हमारे सोशोलॉजिस्ट ने फॉर एग्जाम्पल कार्ल मार्क्स सोशोल हमारे अर्लियर सोशोलॉजिस्ट थे उन्होंने ऐसे ऐसे करा है और सोसाइटी को डिवाइड करा है टू सोसाइटीज के अंदर एंड फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्री मॉडर्न सोसाइटीज अब हम प्री मॉडर्न सोसाइटीज के बारे में पढ़ेंगे प्री मॉडर्न सोसाइटी वो सोसाइटी है जो मॉडर्न होने से पहले इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश हो गई थी तो तब क्या होता था तब हमारे हंटर्स हंटर्स एग्जिस्ट करते थे गैदरर्स एग्जिस्ट करते थे और सब कुछ हमारा एग्रीकल्चर पे बेस्ड होता था एग्रीगेरियन सोसाइटी के अंदर हम रहते थे सब कुछ हमारा एग्रीकल्चर पे बेस्ड होता था और उसके बाद हमारी आई मॉडर्न सोसाइटी देन इट इज़ अबाउट मॉडर्न सोसाइटी मॉडर्न सोसाइटी के अंदर एवोल्यूशन हुई ओब्वियसली बहुत सारे चेंजेस आए जो चेंजेस एक्सेप्टेबल थे जैसे कि सबसे पहली बात हमारी इंडस्ट्रलाइज सोसाइटीज आ गई इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो गई जो लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड थे उनको सबको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल गई सच एन एवोल्यूशन विजन दैट द वेस्ट वॉज ने मोस्ट एडवास एंड सिविलाइज इसकी वजह से हमें पता चला था कि हाँ जो हमारा वेस्ट है इससे पहले हम वेस्टर्न सोसाइटी को फॉलो नहीं करते थे बट जब हम मॉडर्न हो गए अगर हम मॉडर्न वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब अगर हम मॉडर्न वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब है हमारा वेस्ट वेस्ट सोसाइटीज के अंदर जो लोग रहते हैं हमारा जो यूएस से हो गया वो सब वेस्ट को बिलोंग करता है तो हम लोग इनकी तरह हम ब्रिटिशर्स के साइड ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लग गए थे इसलिए हमारी एक मॉडर्न सोसाइटी डेवलप हो गई थी जिसके अंदर हमारी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई थी अब जो लोग नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज थी जैसे कि हम इंडिया जो पहले नॉन वेस्ट अब तो हम वेस्टर्न सोसाइटी है हम भी उनकी तो, उनसे इन्फ्लुएंस हो रखे हैं और हमने भी अपनी बहुत सारी चीजें उनसे अडॉप्ट करी हुई है अब जो हमारी नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज थी उनको हम बार बेरिक एंड लेस डेवलप्ड कंसिडर करते थे उनको हम लो कंसिडर करते थे ऐसे कंसिड आउटसाइडर्स की तरह कंसिडर करा जाता था और ये सेम चीज हमारे इंडिया पे इंप्लीमेंट होती है क्योंकि हम लोग पहले लेस डेवलप थे उसके बाद ब्रिटिशर्स आए उसके बाद जाके हम कहीं डेवलप हुए और अभी भी हम एक डेवलपिंग कंट्री है रिफ्लेक्ट दिस टेंशन गो फार बैक टू हिस्ट्री टू ब्रिटिश द आइडियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू इट इसे ये पता चलता है कि जो वेस्ट से डेवलप्ड है जो वेस्ट से इन्फ्लुंस है उन लोगों को हम मॉडर्न सोसाइटी कंसिडर करते हैं क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रीज है अर्बनाइजेशन है बट जो लोग वेस्ट से डेवलप्ड नहीं है जो लोग वेस्ट के कनेक्शन में नहीं है या उनको नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज है वो लोग तो उनको हम लोग लेस डेवलप कंसिडर करते हैं Now, हम लोग पहले अपनी सोसाइटीज को लिविंग चीजों से कंपेयर करते थे हम लोग पहले अपनी सोसाइटीज को जब सोशोलॉजी नहीं आई थी तब हम उसको लिविंग चीजों से कंपेयर करते थे लाइक द ग्रोथ स्टेजेस हम लोग कंपेरिजन करते थे ऑर्गेनिक लाइफ का हमारा जो वे था सोसाइटी को देखने का वो बहुत ज्यादा डिफरेंट था बट अब ऐसा नहीं है हम लोगों के माइंड के बारे में पढ़ते है. पहले हम सिर्फ लोगों के एक्शन के बारे में पढ़ते थे अब हमारा एक एनलाइटनमेंट पीरियड आया था जिसके अंदर जो हमारे यूरोपियन इंटेक्चुअल थे हमारे 18th 19th के अंदर उन्होंने हमें एक एग्जाम्पल दिया था पावर्टी का कि पहले के टाइम पे जब सोशोलॉजी नहीं होती थी तब पहले के टाइम पे हम पावर्टी को क्या कंसिडर करते थे एज अ नेचुरल फिनोमिना कि हाँ ये तो नेचुरल है ये गरीब है तो ये पावर्टी में है बट अब जब से सोशोलॉजी आ गई तो हम इसको एक सोशल प्रॉब्लम भी कंसिडर करते हैं क्यो, क्यों है, लो, लो क्यों ये सोशल प्रॉब्लम लोग लोग इतना इनकम क्यों नहीं ऑन कर पा रहे क्योंकि पावर्टी है ऑब्वियसली बट पॉवर्टी क्यों है क्योंकि हमारी सबसे पहली बात तो सोशल इनिक्वालिटी है जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको काम नहीं मिल पा रहा है और दूसरी बात इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए इसकी वजह से पावर्टी है बट अगर हमें कॉमन सेंस में पढ़ेंगे तो पॉवर्टी इज अचुरल फिनोमिना की कॉमन सेंस और पाव हमने पावर्टी के अंदर कॉमन सेंस और नेचुरलिस्टिक सेंस दोनों के बारे में पढ़ा था प्रीवियस वीडियो के अंदर तो अब पावर्टी इज नॉट जस्ट अ नेचुरल फिनोमिना बट इज इवन अ सोशल प्रॉब्लम जो हमारी सोसाइटी फेस कर रही है हमारा ह्यूमन हमारे जो ह्यूमन बीइंग है हम लोग उस चीज को इग्नोर भी करते हैं हम उस चीज से एक्सप्लॉइट भी होते हैं देयरफॉर दिस कुड बी स्टडीड एंड री एड्रेस तो हमें पावर्टी फिर से पढ़नी चाहिए पावर्टी के बारे में और एक असम्शन नहीं निकालनी चाहिए कि इट इज अचुरल फिनोमिना बट ये हमारी सोसाइटी की वजह से ही हो रहा है सो आर ऑगस्टे

This is it for today's video. And if you like the video, please subscribe the channel and press the bell icon for more updates. And if you want any online or offline classes, you can comment down below, contact the number given below. And for notes, please connect with us on Instagram, Facebook, and Telegram.